हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे पंचम अध्याय द्रव द्रव विज्ञानी अध्याय की पार्ट टू की। देखिए, अब तक हमने पार्ट टू का कुछ नई बेसिक्स पढ़ा, चैप्टर के बारे में पढ़ा कि चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। मैंने आपको बताया द्रव का मतलब लिक्विड होता है, जबकि द्रव्य का मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस तीनों चीजें आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में बेसिकली जो लिक्विड फूड आइटम्स हैं, जो क्या कहते हैं तरल द्रव पदार्थ हैं, उनकी बात करी गई थी। लाइक मैंने बताया था इसके अंदर दूध की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, दही दही की बात करेंगे, घृत तक्र मक्खन इन सब पदार्थ की बात करेंगे, यानी इसके अंदर सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा मद्य की बात करेंगे, इसके अलावा इच्छुक गन्ने के रस के या गन्ने के रस के जो प्रिपरेशन हैं, जो लिक्विड्स हैं उनकी बात करेंगे। मधु क्या कहते हैं, शहद है, शहद के बारे में बात करेंगे। इन सबके गुड़ कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या इनके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान है, किस दोषों पर इसका क्या क्या इफेक्ट है, ये सब बातें आज हम देखेंगे करके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने देखा था तोय वर्ग। तोय वर्ग मैंने आपको काफी सारी बताई थी, लाइक गंगा जल मैंने आपको बताया था, जो अमृतुल्य बताया है, तृप्तिकारक बताया है, हृदय के लिए उपयोगी बताया है, स्वच्छ बताया है। अब इसके अंदर जनरली कोई रस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि सामुद्र रस को बताया था कि जनरली इसका सेवन नहीं करना, सिर्फ आश्विन मास ऐसा होता है जिसमें आपको सामुद्र जल का प्रयोग बताया गया है। फिर मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था कि कौन सी नदी अच्छी है, कौन सी नदी अच्छी नहीं है। कूप आदि का जल बताया था कि जिस स्थान में कुआ यानी कूप होता है उसका जल उसी पर निर्भर करता है। अगर आप आनूब देश यानी केरल वगैरह साइड चले जाओगे तो वहां का जल जनरली कब वर्धक होगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ देश। अगर आप राजस्थान साइड वगैरह चले जाओगे, मरुस्थल साइड या जंगल देश की तरफ चले जाओगे सॉरी, तो वहां का जल होगा बेसिकली वात प्रधान या वात कारक होगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दोष। ठीक है, फिर मैंने आपको आंतरिक जल बताया था। मैंने बताया जो आंतरिक जल होता है इसे गंगा जल बोल देते हैं, ये श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ बेसिकली मैंने बताया था जो गंगा जल होता है, गंगा से जल कब बरसता है, गंगा मतलब आकाश, अंतरिक्ष यानी कि आकाश की बात हो रही है, बरसात के पानी की बात हो रही है, कब बरसता है, जाहिर सी बात है वर्षा ऋतु में बरसेगा। जो वर्षा ऋतु में वर्षा का जल बरस रहा है उसको श्रेष्ठ बताया गया, अच्छा बताया गया है। कैसे पहचानो कि जो बरस रहा है वो क्या कहते हैं वर्षा जल है या सामुद्र जल है, कभी कभी ऐसा होता है इम्प्योर वाटर ऊपर से आता है, जैसे आपने सुना होगा एसिड रेन करके कि उसमें HNO3 होता है, H2SO4 होता है, 3:1 इस तरीके से आपने सुना होगा। कोई दिक्कत नहीं भी सुना होगा तो नीट के टाइम पे सुना होगा। तो उसी तरीके से मतलब जो हर बार ऊपर से पानी आता है बाहर से बरसात का, जरूरी नहीं है वो हर बार प्योर हो, कभी इम्प्योर हो सकता है, कभी प्योर हो सकता है। तो उसकी परीक्षा के लिए, उसको पहचानने के लिए अच्छा या गंदा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको चांदी का पात्र, चांदी कटोरी ले लो या प्लेट ले लो, उसमें करना एक चावल का भात, साली चावलों का भात बना के रख देना है। अगर वो भात का कहते हैं डिस्कलरेशन हो जा रहा है, उसमें स्मेल वगैरह आ जा रही है या कोई भी मतलब उसके अपीयरेंस में या कलर में या किसी भी चीज में उसमें ऐसा चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोल दो कि जल क्या है, सामुद्र जल है, गंगा जल नहीं है। और अगर आपने जैसा बनाया वैसा ही है, कोई भी उसके अंदर क्लियर दिख तो मतलब कोई भी उसके अंदर लिक्विडिटी या चिपचिपा टाइप डेवलप नहीं हुआ, स्मेल नहीं आई, बैड स्मेल, तो आप बोल दो कि ये गंगा जल है। यानी जाहिर सी बात है गंगा जल बरसेगा तो जो आपका खाना है वो खराब नहीं होगा, और गंगा जल अगर नहीं बरसेगा तो खाना खराब होगा, जाहिर सी बात है। फिर आज बात करने वाले हैं शीतल जल, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के क्या फायदे हैं, कब कब देंगे आप, तो मदाते हैं एल्कोहल, किसी ने एल्कोहल पी लिया तो उसको ठंडा पानी दे सकते हैं, फायदा करेगा। गिलानी मतलब कोई कहते हैं अपने को गिलानी महसूस कर रहा है, मूर्छा को दोष हो गया है, बमन उल्टी कर रहा है, प्यास लग रही है, गर्मी से पीड़ित है, गर्मी में मतलब चल कर आया, चक्कर आ रहे हैं, जलन हो रही है, पित्त भर गया है, या मतलब उसको किसी ने विष दे दिया है, जहर किसी ने जानवर ने काट लिया है, या उसने कोई क्या कहते हैं जहर वगैरह पी लिया है, या रक्त पित्त है, या कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आपको उसमें ठंडा पानी देना है। कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी कोई जहर का कुछ भी हो, विष का कुछ हो, पॉइजन कुछ हो, कभी भी आप गर्म पानी का सेवन नहीं कराएंगे, ना ही इंटरनली ना ही एक्सटर्नली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शीत जल के मैं बताया कि आप मदद थे एल्कोहलिज्म में, गिलानी, मूर्छा, भवन, प्यास, गर्मी, चक्कर, दाह, पित्त, रक्त विकृति व विषनाशक चिकित्सा में आप इनको दोगे। अगला है उष्ण जल, गर्म पानी कब दोगे, तो गर्म पानी लिख रहा है उष्ण जल अग्नि दीपक होता है, जाहिर सी बात है क्या कहते हैं उष्ण यानी गर्म पानी है, और अग्नि के अंदर भी उष्ण गुण मिलता है जिस कारण ये अग्नि को बढ़ाता है। यानी किसी का आपने देखा होगा भूख नहीं लग रही, या फिर कहते हैं क्या कहते हैं रुचि नहीं आ रही, डेवलप नहीं हो रही खाने में, तो आप कहते हैं गर्म पानी पिला सकते हो। दूसरा पाचक, किसी का खाना नहीं पच रहा तो भी आप गर्म पानी दे सकते हो। कंठ है मतलब क्या कहते हैं बेनिफिशियल टू योर कंठ, यानी आपका जो साउंड बॉक्स है उसके लिए अच्छा बताया गया गर्म पानी को। आपने देखा होगा जिन लोग जो लोग सिंगिंग करते हैं इनका गला खराब हो जाता है, वो लोग अक्सर वार्म वाटर या ल्यूक वाटर गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, लघु होता है, हल्का होता है। मूत्राशय शोधक आपके यूरिनरी ब्लैडर को भी साफ करता है। उसके अलावा हिक्का, किसी को हिक्कप्स आ रही है, हिचकी आ रही है, तो भी गर्म पानी दे सकते हैं। आद्यमान पेट फूल रहा है, बात कफज विकार है, नया ज्वर, नव ज्वर है, और क्या कहते हैं सी क्या कहते हैं अगर बुखार पुराना है तो आप नहीं देंगे, लेकिन नव ज्वर में आप उष्ण जल का सेवन करा सकते हैं। खांसी आ रही है, आम का निर्माण हो चुका है, पीनस, जुकाम हो रहा है, राइनाइटिस,
श्वास है, पार्श्व यानी क्या कहते हैं, पेन हो रहा है बैक में, लेटरल साइड में, तो भी आप गर्म पानी पी सकते हो। ध्यान रखो कि बेसिकली मोटा मोटा कि वात कफज विकारों में अग्निदीपक होता है, पाचक होता है, कंठ होता है, लघु होता है, और क्या कहते हैं खांसी जुकाम में दे सकते हैं। इस तरीके से आप याद कर लो बेसिक बेसिक पॉइंट जो आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे कि खांसी जुकाम में गला खराब हो रहा है या खाना नहीं पच रहा है, शरीर में भारी लग रहा है, तो हम ऐसे में गर्म पानी देते हैं। ठंडा पानी कब देते हैं, जब चक्कर आते हैं, गर्मी से चल कर आए, शरीर में जलन हो रही है, पित्त की वृद्धि हो गई है, रक्तज विकार है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, इन सब में अपन ठंडा पानी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी कब देना है, ठंडा पानी कब देना है। अब आता है क्वथित जल। क्वथित जल का मतलब होता है बॉइल्ड वाटर। आपने देखा कुछ जो पेशेंट्स होते हैं क्या कहते हैं लाइक क्या कहते हैं आपने देखा होगा लाइक एसटीडी वाले, लाइक कैंसर पेशेंट्स, लाइक जो क्या कहते हैं जिनको लिवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, मतलब जो जिनके अंदर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं उनका पानी क्या कहते हैं उबाल करके, छान करके, साफ पानी मतलब एकदम फिल्टर करके एक बोतल भर के रख देते हैं, तो उसको धीरे धीरे पीते रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है बताया जाता है, देखिए बॉयल्ड वाटर बोल रहे हैं कि ये क्या होता है अनाभिसंधि। अनाभिसंधि मतलब जो आपके श्रोतस हैं, बॉडी के अंदर चैनल्स हैं जो क्या कहते हैं रक्त को, ब्लड को इधर से उधर ले जाती हैं, उनको ब्लॉक नहीं करता, लघु यानी हल्का होता है, पित्त जन्य विकारों में लाभकारी होता है, यानी अगर किसी का पित्त बढ़ गया है या पित्त जन्य कोई विकार है तो उसमें भी ये लाभकारी बताया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वथित जल है अनाभिसंधि मतलब स्रोतसों में ब्लॉकेज नहीं करता, हल्का होता है, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी दिक्कत यानी पित्त जन्य विकार है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। अगला कह रहा है उबाल कर अधिक देर तक रखा हुआ पानी त्रिदोष कारक हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पानी उबाल कर रख दिया आपने 2 दिन बाद उसी तक को पी रहे हो, ऐसा नहीं करना, आपको फ्रेश उबालना है और ठंडा होते ही इसको पिला देना है, ठीक है, मतलब ठंडा मतलब पीने लायक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुबह कर रख दिया शाम तक वही पानी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। क्वथित मतलब होता है आपने एकदम उबाल लिया उसको, उबाल कर उसके अंदर जितनी माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे, जितनी भी उनके अंदर इम्प्योरिटी अशुद्धता थी, वो सब अशुद्धता खत्म हो गई, देन आपने उसको पाचन के लिए या पीने के लिए सेवन करने के लिए दिया। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसमें स्टोरेज कर रहे हो या इसको रख रहे हो। ध्यान रखोगे कि अगर आपने ज्यादा देर तक उबाल के पानी रख रखा है तो उसको पी रहे तो इस तरीके से बासी जल हो गया, और जो बासी आइटम होते हैं त्रिदोष कारक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला गुण है नारियल जल। नारियल क्या करता है, कह रहा है कोकोनट वाटर क्या करता है, स्निग्ध होता है, स्वादु, स्वादु मतलब मधुर, स्वादु मतलब किसके लिए मधुर रस। मैं आपको आगे जाके चरक के अध्याय में पढ़ाऊंगा कि स्वादु मधुर क्यों बोला जाता है, क्या रिलेशन है। देखिए स्वादु जो क्या कहते हैं बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मीठा बहुत पसंद होता है, मधुर रस बड़ा पसंद होता है, तो जो मधुर रस होता है ऐसा अच्छा है। काश्यप बताते हैं जब आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कौमार वृत्त बच्चों के बारे में, जिसमें बताया गया कौमार वृत्त में बेसिकली आचार्य काश्यप ने अपना रोल उधर दिया है, तो काश्यप बताते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है, जब मीठा बड़ा पसंद होता है बोलते हैं कि जो मधुर रस है बच्चों को ऐसा लगता है स्वाद लगता है, उसमें स्वाद आता है, टेस्ट आता है, तो इसीलिए उन्होंने मधुर रस है उसका नाम स्वादु रख दिया। तो एक रीजन होता है जो हम चरक संहिता में देखते हैं, नहीं तो डिटेल में अपन थर्ड ईयर में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि जो मधुर रस है उसके लिए यहाँ पर स्वादु शब्द का प्रयोग किया गया है। वृष्य होता है, शीतल होता है, क्या कहते हैं लघु हल्का होता है, तृष्णा नाशक प्यास को बुझाने वाला। दिखाओ गर्मी में आप लोग नारियल पानी पीते हो क्यों, क्योंकि प्यास भी जल्दी बुझ जाती है। पित्त वायु नाशक, किसी की पित्त की वृद्धि हो गई है या वायु भर गई है तो उसका भी शमन करने वाला, उसको लेवल में लाने वाला। अग्नि दीपक, किसी की अग्नि मान दे तो उसकी अग्नि को भी लेवल में लाना। मूत्राशय शोधक यानी ये भी यूरिनरी ब्लैडर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे आपने देखा होगा किसी को अगर यूरिन करते हुए जलन हो रही है तो भी अपन उसको नारियल पानी दे देते हैं, बहुत बेस्ट बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला है जलपान विधि। जलपान विधि किस तरीके से, देखिए कहते हैं ना कि जितना पानी उसे उतना पानी पीते, तो ये एक तरीके से पूरी बात सत्य नहीं है। पानी डिपेंड करता है कि प्रकृति कौन सी है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, आपके अंदर प्रकृति कौन सी है, क्या आपकी कहते हैं दिनचर्या है, कि अगर आप कहते हैं वेट लिफ्टिंग मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं या बिल्कुल आप डम पड़े रहते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या, आपकी प्रकृति कौन सी। अगर आपकी पित्त प्रकृति तो आपको वाटर चाहिए ज्यादा चाहिए रहेगा, अगर आप पित्त देश में रह रहे हो जहाँ पर कहते हैं तापमान ज्यादा है तो आपको पानी ज्यादा चाहिए रहेगा, अगर आप कहते हैं मौसम अगर ठंड का मौसम है तो पानी कम चाहिए रहेगा। तो डिपेंड काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रकृति होती है, दोष होता है, काल होता है, देश होता है, वय एज एज के हिसाब से भी होता है, क्या कहते हैं कि जो मिडल मध्यम अवस्था होती है जो अवस्था इसमें प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है। बच्चों को क्या कहते हैं प्यास कम लगती है क्योंकि उनके अंदर कफ की अवस्था होती है, ये सब डिपेंड करता है मोर देन वन फैक्टर्स पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में स्वास्थ्य मनुष्य को कम पानी पीना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शरद व ग्रीष्म, शरद में क्या होता है पित्त का प्रकोप होता है, ग्रीष्म तो है ही गर्मी की बात है, तो वहां पर इन दोनों ऋतु में आप पानी अच्छा खासा पी सकते हैं, बाकी अन्य ऋतु में आपको थोड़ा पानी कम सेवन करना है। फिर कह रहा है मंदग्नि, गुल्म, शोथ, पांडु, उदर रोगी, अतिसार, अर्श, घृणी, घृणी बोलते हैं आईबीडी, इरेगुलर बोअल सिंड्रोम, ठीक है।
इन सब रोगों में आपको पानी कम पीना है। जनरली आईवीडी हम पैथो और फार्म पढ़ते हैं, आईवीडी मतलब ये होता है कि कभी पेशेंट को वॉमिट होता है, कभी डायरिया होती है, एक तरीके से जो उसका जीआईटी मूवमेंट्स हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसके अलावा तीन बातें और बताई गई हैं, आपने सुना भी होगा कि अगर आप भोजन के पहले पानी पी लेते हो तो आप किसे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, और भोजन के खाने के बाद पानी पियोगे तो मोटे हो जाओगे, और भोजन के बीच में पानी पियोगे तो आप सम अवस्था में रहोगे, मतलब तो जैसे हो वैसे रहोगे, ना मोटे होगे ना पतले होंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर आप भोजन के पहले पानी पियोगे तो पतले दुबले हो जाओगे, भोजन के बाद पियोगे तो मोटे स्थूल हो जाओगे, भोजन के मध्य बीच में पियोगे तो समान रहोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि किस तरीके से जल का सेवन करना है, किस तरीके से इन सब रूल्स को फॉलो करना। आगे क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल जो कि सीधा ही शुद्ध स्थिति में संग्रहित किया जाता है श्रेष्ठ माना गया है, और नदी का जल निकृष्ट माना जाता है। क्या बोल रहा है इस पॉइंट, वैसे तो हिंदी थी क्लियर में लिख रखी है, समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताता हूँ। क्या कह रहा है कि जो वर्षा ऋतु में बरसात का पानी आ रहा है वैसे वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कब श्रेष्ठ बताया गया, जब उसको अच्छे साफ बर्तन में स्टोर करो, ये नहीं जमीन पड़ा हुआ है या फिर कहीं ऐसी छत पे पड़ा हुआ है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ अगर आपने अच्छे बर्तन उसको स्टोर कर लिया, और सबसे खराब बताया गया नदी का पानी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसी बारिश वगैरह पड़ती है तो रोड वगैरह सब धुल जाती है, रोड की जितनी गंदगी हो जाती है, मट्टी गोबर वगैरह वो सब क्या कहते हैं बरसात के पानी से मिलकर नदी वगैरह में चला जाता है। तो ध्यान रखना कि सबसे बेकार वर्षा ऋतु में पानी नदी का बताया गया, कि आपको वर्षा ऋतु में खास करके नदी का पानी नहीं पीना है, और सबसे अच्छा बताया गया बरसात का पानी जिसको अच्छे पात्र में स्टोर किया गया हो। तो देखिए इस वीडियो में हमने बेसिकली जल को खत्म कर लिया है, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्षीर वर्ग को। तो उसके पहले आपको बताना चाहूंगा हमारी बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हमारी पेड क्लासेस चल रही है। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है, व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, इसमें काफी सारे फ्री डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए समझिए पढ़िए। ठीक है, बाकी एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने इस पर कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारी वीडियोस के बारे में। चलिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।